तो कहीं ना कहीं रॉक्स है, ही विल बी द लास्ट सोलो प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम हिज टीम एंड डेफिनेटली यहां पे माइक्रो उसी रहने वाला है। दो माइक्रो उसी के साथ यहां पे क्लोजिंग रहेंगे उनका एक फाइट। वेस्ट की बात करें लेफ्ट साइड पे एक वेस्ट है, उठाया जा सकता है बट यहां पे फाइट के लिए इंतजार कर रहे हैं रॉक्स। यहां पे बैक टू बैक दो प्लेयर को पिकअप करते हुए नजर आएंगे, एक का कहीं ना कहीं जो फिनिश पॉइंट है वो भी सिक्योर कर लिया जाएगा बट साथ ही साथ यहां पे नौ बुलेट्स बचे बूस्टर्स के साथ अपना जो हेल्थ है वो रिकवर करते हुए नजर आएंगे। एंड क्या टीम कोल के जो रॉक्स है यहां पे अच्छा 1v4 करके जा सकते हैं या फिर नहीं वो सवाल रहेगा बिकॉज कहीं ना कहीं मौका जहर। एंड यहां पे रॉक्स का जो ये नेड है ये काफी डिसाइडर वन होने वाला है, नेड यहां पे जाएगा, नेड फूटेगा एंड यहां पे एक और खिलाड़ी आपको डाउन होता हुआ नजर आएगा। रॉक्स कैन डू दिस 1v3 बट एज ऑफ नाउ टीम सोल की बात करें तो एक और स्मोक करके यहां पे जो क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। रॉक्स यहां पे माइक्रो उसी के साथ क्लोजिंग कर रहे हैं ऑन दी अदर एंड यहां पे जो रिवाइवल है वो आपको होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा यहां पे चकमा देंगे बट रॉक्स ओह माय गॉड इट्स टू अनफॉर्चूनेट फॉर हिम को भी नॉकआउट करने वाले। सेवन सी की टीम आपको मल्टीपल डायरेक्शन में फाइट देती हुई नजर आ रही है, स्काउटो भी कोशिश करेंगे यहाँ पर ओजी के एश को एलिमिनेट करने के लिए। फिलहाल जोन यहाँ पर हटते हुए नजर आएगा, बेहतरीन कनेक्शन आएगा स्काउट की तरफ से, ओजी एश का ये फिनिश निकाला विद अ ब्यूटीफुल वन वर्सेस टू डीपी के साथ साथ। फिलहाल ये फिनिशेस भी वो जरूर लिखना चाहेंगे अपने खाते में। हीलिंग्स की यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है, सिर्फ दो ही परसेंट रहेंगे।